ओके तो हम आज के लेक्चर में देखेंगे नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को, और साथ उसके हवाले से क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है किसी सिस्टम की, और इसको हम थोड़ा सा रिलेट कर देंगे फिर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के तनाजुर में। तो हम देखेंगे क्या क्या एडवांटेजेस अवेलेबल हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के, उसके बाद नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्या होता है, कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, और अगर आप उन ओएसएस को डिजाइन कर रहे हो या किसी पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को डिजाइन कर रहे हो, जाहिर है जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डिजाइन करेंगे तो उसके अंदर एक ऑपरेशन मैकेनिज्म होगा, वो ऑपरेशन मैकेनिज्म आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कंट्रोल कर रहा होगा ना, तो उसके क्या क्या डिजाइन इश्यूज हो सकते हैं। और फिर साथ हम देख लेंगे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स को, ठीक है। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स भी एक सिस्टम होते हैं, और उनके अंदर भी एक काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा होता है जो कि उस फाइल को, जो उन फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूटेड लेवल के ऊपर मैनेज कर रहा होता है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो आमतौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। होता क्या है कि हमारे पास बहुत सी नोड्स हैं, वो आपस में कनेक्टेड हैं और आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, ठीक है। अब वो जो नोड्स होती हैं वो प्रोसेसर भी कहला सकती हैं, कंप्यूटर्स भी कहला सकती हैं, मशीन्स भी कहला सकती हैं, होस्ट्स भी कहला सकती हैं, ठीक है। डिफरेंट तरह के सिनेरियो में डिफरेंट तरह के उनके नाम होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अभी जो नीचे हमारे पास तस्वीर दी हुई है, अगर हम इस तस्वीर को देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास एक नेटवर्क है जिसके ऊपर कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। और इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड जो नोड्स हैं डिफरेंट तरह की, उसमें से क्लाइंट भी हो सकते हैं एज ए नोड कनेक्ट हुए हैं इस नेटवर्क से, कोई एक या एक से ज्यादा सर्वर्स भी हो सकते हैं जो इससे कनेक्ट हुए हुए हैं नेटवर्क से, और कुछ रिसोर्सेज भी हो सकती हैं जो कि इस नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल हो। इसके हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गूगल जीमेल से कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे जीमेल का सर्वर होगा जिसके ऊपर हमारी मेल्स पड़ी हुई हैं, ये हम क्लाइंट हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठे हुए हैं, और नेटवर्क के थ्रू हम जीमेल के सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं। और इसके ऊपर अगर हम कोई फाइल रखते हैं, कोई बड़े साइज की फाइल होती है, हम ईमेल में अटैच करते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर आप जीमेल में 20 MB से या 25 MB से कम साइज की फाइल अटैच करो तो वो तो जीमेल के अंदर ही अटैच हो जाती है, लेकिन उसे बड़ी अटैच करो तो कहता है कि नहीं यार ये इतना बड़ा साइज अलाउड नहीं है, तो आप इसको ड्राइव के ऊपर शेयर करें और वो एज ए लिंक फिर यहाँ पे चली जाएगी। तो वो क्या होता है कि वो जो रिसोर्सेज है आपकी स्टोरेज लोकेशन की, वो बेसिकली किसी और सर्वर पर पड़ी होती है जो कि आपका गूगल ड्राइव का सर्वर होता है, और यहाँ से आप उन रिसोर्सेज को इस ईमेल में एनेबल कर लेते हो या ईमेल में अवेलेबल कर देते हो। तो जो एक्चुअल चीज होती है, जो फाइल होती है, वो आपकी स्टोरेज लोकेशन पे पड़ी होती है इस नए सर्वर के ऊपर, साइट सी के ऊपर, और वहां से आप उसको यूटिलाइज करवा रहे हो जो थ्रू लिंक अपने जीमेल की ईमेल के अंदर, जो कि आपकी जीमेल के सर्वर के ऊपर पड़ी होगी और ये आपका क्लाइंट होता है। तो इस तरह से आप जो है मतलब एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर की, जिसमें आपके जो मल्टीपल रिसोर्सेज हैं वो मल्टीपल जगह पर तकसीम हुए होते हैं। तो जहां पे हम साइट कहेंगे ना, तो साइट का मतलब है कि उस मशीन की, उस प्रोसेस की, उस कंप्यूटर की, उस होस्ट की लोकेशन, ठीक है। वो साइट हम कह देंगे कि एक साइट ए है जो कि जीमेल की साइट है, फॉर एग्जाम्पल, एक साइट बी है जो कि ड्राइव की साइट है, और ये साइट सी है जो कि आप हैं एक्चुअली, यानी कि आपका जो क्लाइंट मशीन है वो है। तो अब इस क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में नॉर्मली होता ये है कि क्लाइंट साइट पे जो मशीन होती है या क्लाइंट साइट पे जो होस्ट होता है, वो कुछ सर्विसेज रिक्वायर कर रहा होता है, उसको कुछ चीजों की जरूरत होती है किसी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। तो वो फिर क्या करता है कि वो सर्वर से कनेक्ट करता है थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, और सर्वर जो होता है वो सर्विसेज दे रहा होता है, वो अवेलेबल कर रहा होता है कि कोई भी क्लाइंट जिसको ये सर्विस चाहिए वो मुझसे आके कनेक्ट हो, और इस तरीके से कनेक्ट हो, और इस तरीके से मुझे रिक्वेस्ट करे तो मैं उसको वो सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा। वो तरीका वाली क्या बात है वो हम आगे जाके भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सिर्फ एक ही क्लाइंट सर्वर ही एक तरीका नहीं है जिसके ऊपर सर्विसेज दी जा सकती है, इसके अलावा आपकी पीयर टू पीयर सर्विसेज भी हो सकती हैं और हाइब्रिड भी हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, पीयर टू पीयर में क्या होता है कि आपके सारे रिसोर्सेज एक ही लेवल पे होते हैं, वो एक दूसरे को कोई सर्विस दे रहे होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि अगर आप लोग विंडोज 10 के यूजर्स हैं, तो विंडोज 10 एंड
ये अभी जो है आप हेलो आवाज आ रही है? यस सर, अभी आई। ओके, अभी इससे पिछला कितनी नहीं आई, क्योंकि मेरे पास तो ये रिकॉर्डिंग भी चल रही है और वो हो भी रहा था सर ये वाली। इतना सर ज्यादा जी फैल, सर जी आपका जो है वो सेशन डिस्कनेक्ट हो गया था, आप नहीं थे इस मीटिंग में लाइक 2 मिनट्स पहले। अच्छा ये बताओ कि अभी हाँ ये इस स्लाइड्स के चेंज होने के बाद ये इशू हुआ है? ओके स्लाइड नजर नहीं आ रही। एक नहीं मिनट रुको, मैं इसको दोबारा से सेटल कर। अच्छा तो हम ये देख रहे थे ना कि क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट होता है, ये वाला कंप्लीट हो गया था आपके उसमें डिस्कनेक्ट होने से पहले? हनान आवाज आ रही है? चल रहा था दरम्यान में बात। ओके मैं ये बता रहा था कि जो नोड्स होती हैं वो बेसिकली ये वाला जो सिनेरियो है यहाँ पे होता है। नॉर्मली एक सर्वर होता है जो सर्विसेज दे रहा होता है, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको सर्विसेज चाहिए होती हैं और कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं किसी और साइट के ऊपर। तो बेसिकली क्लाइंट सर्वर को एक्सेस करता है, वहां से उसको सर्विस प्रोवाइड की जाती है, थ्रू नेटवर्क की कम्युनिकेशन हो रही होती है, और इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उनको कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हो जो कि किसी थर्ड साइट पे अवेलेबल हो और वहां से उन रिसोर्सेज को यूज कर लें। इसकी एग्जाम्पल है gmail.com। हम क्लाइंट हैं gmail.com के, तो हम यहाँ पे अपने जीमेल के सर्वर को एक्सेस करते हैं और वहां पे अपना मेल बॉक्स एक्सेस करते हैं। फिर क्या होता है कि अक्सर बेशतर हमें ये इशू फेस करना पड़ता है कि हम अगर कोई फाइल अटैच कर रहे हैं अपने अपने सर्वर के साथ, तो उसमें फिर होता है कि आपकी एक खास हद से बड़ी फाइल जो होती है वो आप कनेक्ट नहीं कर सकते इसके साथ। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 25 MB की अगर लिमिट है जीमेल की, तो 25 से बड़े साइज की जो ईमेल जो अटैचमेंट होगी वो आप डायरेक्टली अपनी जीमेल में इनबॉक्स में अटैच नहीं कर सकते। वो आपको कहेगा कि आप इस फाइल को होस्ट करें ड्राइव के ऊपर और ड्राइव से उसका लिंक आ जाएगा। तो ये वाला एक्सपीरियंस हुआ है किसी को? अच्छा अच्छा तो वो इस तरह से ना फिर ये होता ही है कि हम बेसिकली उस सिनेरियो में, अगर हम वो वाला सिनेरियो सामने लाएं, तो हम क्लाइंट हैं, हम एक्सेस कर रहे हैं सर्विसेज को जो कि सर्विसेज हैं जीमेल की सर्वर के ऊपर पड़ी हुई, और इन बिटवीन ऐसा होता है अक्सर बेशतर कि हमें बीच में स्टोरेज रिक्वायरमेंट जो लेनी पड़ती है वो हमारे लिए रिसोर्सेज अवेलेबल होती है ड्राइव के सर्वर के ऊपर। यहाँ पे ड्राइव जो गूगल ड्राइव है उसके सर्वर के ऊपर जो एक अलग सर्वर होता है, और वहां से वो फाइल्स हम अपलोड होके उसका लिंक हमें यहाँ जीमेल के अंदर अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरह से उसकी एग्जाम्पल बन जाती है। ठीक है, यहाँ से हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं बता रहा था कि सिर्फ क्लाइंट सर्वर ही नहीं, आपकी पीयर टू पीयर सर्विसेज अवेलेबिलिटी भी हो सकती है। पीयर टू पीयर सर्विस अवेलेबिलिटी क्या होती है? उसमें होता है कि आप क्लाइंट हैं और आपके साथ ही दूसरे क्लाइंट्स भी हैं और आप एक दूसरे को किसी चीज की सर्विस दे रहे हैं। इसकी एग्जांपल मैं दे रहा था कि लाइक आपका है अपडेट मैकेनिज्म ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो प्रियर टू विंडोज 10 जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट का अपडेट मैकेनिज्म ये होता था कि आपका जो कंप्यूटर है वो एज ए क्लाइंट माइक्रोसॉफ्ट के अपडेट सर्वर से कनेक्ट होता था। वो उसको बताता था कि मेरा करंट वर्जन ये है। माइक्रोसॉफ्ट का अपडेट सर्वर देखता था कि अच्छा इस करंट वर्जन के बाद जो जो अपडेट्स आए हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो जो अपडेट्स होते थे उस करंट वर्जन के बाद जो आपका है वो आपको भिजवा दिए जाते थे। आपके कंप्यूटर डाउनलोड कर लेता था उस सर्वर से, अपडेट सर्वर से, और वो डाउनलोड होने के बाद आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाते थे। जब इंस्टॉल हो जाते थे तो आपका जो करंट वर्जन नंबर होता है वो अपग्रेड हो जाता था। नेक्स्ट टाइम एक हफ्ते के बाद आप फिर दोबारा आपका कंप्यूटर या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से कनेक्ट होता था और उसको बताता था कि मेरा अब ये नया वाला जो अपडेटेड नंबर है वो ये है। तो फिर उसका जो माइक्रोसॉफ्ट का अपडेट सर्वर है वो चेक कर लेता था कि इस वर्जन के बाद कौन कौन से नए अपडेट्स आए हैं वो आपको मिल जाते थे। तो ये क्लाइंट सर्वर एनवायरमेंट काम हो रहा होता था। लेकिन विंडोज 10 के आने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार अक्सर औकात अब ऐसा होता है कि आपका एक घर है उसमें चार लोग रहते हैं, उस उन चार लोगों के पास भी विंडोज ही है इंस्टॉल, और उनमें से एक ने अभी
नया अपडेट डाउनलोड कर लिया और उसके बाद उसको इंस्टॉल भी कर लिया, तो उसका मतलब है वो अपडेट जो है, वो जो अपडेट की फाइल्स हैं वो उसके कंप्यूटर के ऊपर अवेलेबल है, सही है। अब बजाय इसके कि उसके जो बाकी तीन लोग हैं जो उस घर में रहते हैं वो भी जाके ऑनलाइन अमेरिका में या जहां पे भी माइक्रोसॉफ्ट का जो अपडेट सर्वर अवेलेबल है उससे कनेक्ट करें और वो फाइलें वो फिर डाउनलोड करें और फिर डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करें, तो वाई नॉट जो एक बंदा उस घर में ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है उसी के कंप्यूटर से इन लोगों को भी एक्सेस दे दिया जाए उन्हीं फाइल्स का, तो वो अपने पास लोकल, अगर देखो ना हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही नेटवर्क के ऊपर हैं, अगर जिस तरह हमदा और शजीर हैं, अगर वो एक ही घर में रह रही हैं और एक ही उनके पास वो कंप्यूटर्स हैं, तो होता ये कि फॉर एग्जाम्पल शजीरा जो है वो पहले डाउनलोड कर लेती है और उसका सिस्टम अपडेट हो जाता है, हम तो अगले दिन अपने कंप्यूटर पे अपडेट मैकेनिज्म का आगाज करती है, क्लिक करती है कि अपडेट कर लो मेरी विंडोज को, तो वो जाके चेक करेगा कि ये जो अपडेट जो मुझे चाहिए वो इसी नेटवर्क पे जो मेरा लोकल नेटवर्क पे, इस पे किसी और के पास अवेलेबल है, वो पिंग करेगा कि सिस्टम इस नेटवर्क पे कोई और विंडोज सिस्टम है विंडोज 10 का, तो पता चलेगा कि हाँ जी शजीरा वाला है, ओके। वो फिर उस शजीरा वाले सर्वर से सलाम दुआ करेगा कि यार ये बताओ कि मेरा वरियन नंबर ये है, तो तुम्हारे पास इस वरियन नंबर के बाद की अपडेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो शजीरा के कंप्यूटर पे जो अपडेट का सर्वर चल रहा होगा या एक मैकेनिज्म चल रहा होगा वो कहेगा यस मेरे पास है, तो बजाय इसके कि अब हमदा का कंप्यूटर ऑल टुगेदर माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से कनेक्ट करके वहां से डाउनलोड करने के, वो लोकल नेटवर्क के ऊपर शजीरा के कंप्यूटर के ऊपर से वो फाइल्स अपने पास डाउनलोड कर लेगा और डाउनलोड करने के बाद वो इंस्टॉल कर लेगा, तो इस तरह से ये पीयर टू पीयर सर्विस होगी कि शजीरा अब सर्विस दे रही है हमदा को एज ए अपडेट की, जबकि वो दोनों क्लाइंट लेवल के ऊपर हैं। और जो इनिशियल शजीरा ने काम किया था, जो उसने खुद फर्स्ट टाइम जब करी थी, तो उसके नेटवर्क पे कोई और बंदा ऐसा नहीं था जिसके पास अपडेट अवेलेबल होते, तो उसने जाके सर्वर से ही कनेक्ट किया था और वहां से सर्विसेज ली थी, तो वो एग्जांपल थी आपकी क्लाइंट सर्वर की, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की। और अब चूंकि अपडेट सर्वर दोनों लिहाज से काम कर रहा है कि कुछ क्लाइंट क्लाइंट सर्वर से काम करते हैं जाके और कुछ क्लाइंट हाइब्रिड लेवल मतलब पीयर टू पीयर लेवल पे काम कर रहे हैं, इस तरह से जब हम इस वाले पूरे सिनेरियो को एनालाइज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के अपडेट मैकेनिज्म को विंडोज 10 वाले, तो हम कहेंगे यार एक हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें क्लाइंट सर्वर वाला काम भी हो रहा होता है कुछ जगहों पे और कुछ सिनेरियोज में पीयर टू पीयर वाला काम भी हो रहा होता है विंडोज अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो ये नीचे उसी की इंग्लिश लिखी हुई है कि यार क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि सर्वर के पास रिसोर्स होती है, क्लाइंट उसको यूज करता है, पीयर टू पीयर में ईच नोड के पास कुछ ना कुछ सर्विसेज होती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और एट अ टाइम वो एज ए क्लाइंट भी एक्ट कर सकते हैं और एज ए सर्वर भी एक्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट सिनेरियो में शजीरा क्लाइंट एक्ट कर रही थी और माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर सर्वर एक्ट कर रहा था, बाद में शजीरा एज ए सर्वर एक्ट कर रही थी और हमदा का जो कंप्यूटर है वो एज ए क्लाइंट एक्ट कर रहा था, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जितनी भी इनकी कम्युनिकेशन होती है उस दौरान में, जो भी आपकी सर्विस प्रोविजन हो रही होती है सर्वर की तरफ से क्लाइंट को, वो ओवर द नेटवर्क होती है यूजिंग मैसेज पासिंग। तो एक एक खास तरह का एक एक सिस्टम, एक हायर लेवल फंक्शन होता है, वो एक्सपेंड होता है, और वो कैसे होता है वो सारी डिटेल्स अभी हम आगे जाके अगले क्लासेस में देखेंगे, अगले स्लाइड्स में, कि उसमें क्या क्या चीजें हो रही होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यार इसकी रीजंस क्यों पेश आई ना, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाने की रीजंस क्यों पेश आई। सबसे पहली बात तो जो सबसे मेन थी कि रिसोर्स शेयरिंग, कि हमारे पास कुछ फाइल्स हैं और वो हम चाहते हैं कि बाकी लोगों के साथ शेयर हो जाएं, या हमारे पास कोई सर्विसेज हैं वो हम चाहते हैं कि बाकी लोगों के साथ शेयर हो जाएं। अच्छा, इसमें एग्जांपल हो सकती है कि जिस तरह फाइल और प्रिंटिंग की सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे प्रिंटर है, तो अब क्या होता है कि अब एक तरीका तो ये है कि आप सब लोग अपना अपना प्रिंटर ले लें, एक होता है कि आप एक मेन नेटवर्क प्रिंटर ले लें और सब लोग जो उस नेटवर्क में हैं उससे कनेक्ट हो जाएं और उसके ऊपर प्रिंट ले लें, तो एक तो ये चीज़ हो सकती है। आप फाइल शेयरिंग कर सकते हैं आपस में, किसी सर्वर पे आपने अपडेट कर दी और बाकी लोगों के साथ लिंक शेयर कर दिया, तो बाकी लोग उसको कनेक्ट करके उसको फाइल को अपने पास यूज कर लें, डाउनलोड कर लें। उसके बाद आपकी जो डेटाबेसेस हैं उसकी सर्विसेज जो हैं, उसकी जो प्रोसेसिंग है वो भी और उसकी इंफॉर्मेशन है वो भी आप डिस्ट्रीब्यूटेड लेवल के ऊपर अपने आप में शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको फॉर एग्जांपल ऐसी स्पेशलाइज्ड किस्म की हार्डवेयर की कोई रिक्वायरमेंट है जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन अवर द नेटवर्क किसी और के पास अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना जो प्रोसेसिंग वर्क है वो ऑफलोड कर ले उस कंप्यूटर को, या उस कंप्यूटर से अपना काम शेयर कर दें, वो कंप्यूटर आपसे काम ले ले करके उसका रिजल्ट निकाल के आपको पकड़ा दे, तो ये वाला काम भी हो सकता है, ठीक है। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी कंप्यूटेशन स्पीड अप कर लें। हमने शुरू में अपने किसी लेक्चर में पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा था, मतलब किसी लेक्चर्स में जो हमने इतने थे, तो जो पैरेलल कंप्यूटिंग थी
उसके अंदर आप क्या करते थे कि आपका एक खास काम है तो आप उस काम को ब्रेकअप कर लेते थे। अगर उस काम को वैसे एक घंटा लगना है तो आप उसको 6 हिस्सों में ब्रेक कर लेते थे, वो 6 हिस्से आप 6 कंप्यूटर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, वो 6 के 6 हिस्से जो 6 हिस्से थे वो उनको पैरेलल में वो जो 6 कंप्यूटर हैं वो एग्जीक्यूट करते थे, और एग्जीक्यूट करने के बाद उनके रिजल्ट्स होते हैं वो आपको वापस देते थे, आप उन 6 रिजल्ट्स को आपस में मर्ज करते थे और मर्ज करने के बाद डिस्प्ले कर देते थे। तो वो काम जिस पे पहले 60 मिनट लग रहे थे, अब वो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद 6 कंप्यूटर्स पे आपका 10-12 मिनट में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपकी कंप्यूटेशन की स्पीडअप आप ले सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के हवाले से। फिर आप लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। लोड बैलेंसिंग ऐसे कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक सर्वर है और उसके ऊपर लोड आ रहा है क्लाइंट्स का, वो क्लाइंट को सर्विस दे रहा है, तो आप उसके बीच में एक लोड बैलेंसर लगा दें। लोड बैलेंसर क्या करेगा कि सबसे आसान तरीन इम्प्लीमेंटेशन में लोड बैलेंसर ये करता है कि अगर आपके बैकएंड पे 2 सर्वर लगे हुए हैं और आप क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं तो पहली जो रिक्वेस्ट आएगी वो पहले सर्वर के पास लोड बैलेंसर भेज देगा, उससे अगली जो रिक्वेस्ट आएगी वो दूसरे के पास भेज देगा, जो उससे अगली रिक्वेस्ट आएगी वो पहले के पास भेज देगा, उससे अगली, अगर 2 आपके पास सर्वर्स हैं बैकएंड पे। तो लोड बैलेंसर का जो सबसे आसान काम, जो सबसे आसान तरीन इम्प्लीमेंटेशन होती है वो ये होती है कि वो वन बाय वन सर्विस एक दूसरे को भेजता रहता है। पहली सर्विस आई वो पहले पे भेजी, दूसरी आई तो दूसरे के पास भेजी, तीसरी आई तो फिर पहले के पास भेजी, चौथी आई तो फिर दूसरे के पास भेजी, पांचवी आई तो पहले के पास भेजी। तो इस तरह से करके वो जो है ना लोड को, क्लाइंट के लोड को सर्वर्स पे बैलेंस कर रहा होता है। तो उससे क्या होता है कि दोनों के ऊपर इक्वल लोड होता है और लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इनके फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1000 रिक्वेस्ट आ गई है, एक सर्वर भी 500 मैनेज कर रहा होगा और दूसरा सर्वर भी 500 क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को मैनेज कर रहा होगा। तो इस तरह से वो एफिशिएंट सर्विस जो है प्रोवाइड कर सकेंगे दोनों सर्वर मिलके क्लाइंट्स को। अगर ये 1000 की 1000 एक ही सर्वर को मैनेज करनी पड़ जाती तो उसकी वजह से ज़ाहिर है उसकी स्पीड स्लो होती है, प्रोसेसिंग स्लो होती है और क्लाइंट्स को स्लो रिस्पॉन्स मिलता। रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी कैसे है कि फॉर एग्जाम्पल ये वाली एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारा सिस्टम था, कोई सर्वर था, वो आपको सर्विस दे रहा था क्लाइंट्स को और लोड बैलेंसर लगा हुआ था और वन बाय वन रिक्वेस्ट हैंडल हो रही थी, तो अचानक एक सर्वर क्रैश कर जाता है। अब क्या होगा कि अब एक सर्वर क्रैश कर गया है तो आप सर्विसेज डिसकंटिन्यू नहीं होगी, बिकॉज आपके पास दूसरा सर्वर चल रहा था, वो लोड बैलेंसर डिटेक्ट करेगा कि सर्वर नंबर 1 फारिग हो गया, उसके अब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वो लगता है हैंग हो गया या रीस्टार्ट हो गया या क्रैश हो गया, तो क्या करेगा कि अब सारी रिक्वेस्ट जो है जो आ रही है नेक्स्ट वो भेजना शुरू कर देगा आपके बी वाले या सेकंड वाले सर्वर को। तो अब ये कि ठीक है अब सिस्टम थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन आपकी एटलीस्ट सर्विसेज चलती रहेगी, सर्विसेज बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं होंगी। जबकि अगर आपका ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ना होता, ये लोड बैलेंसर ना होता और एक ही सर्वर लगा होता तो जो ही वो क्रैश करता तो आपके सारे क्लाइंट्स को सर्विस मिलनी बंद हो जाती। ठीक है, तो इस तरह से लोड बैलेंसर और इस तरह के मामला जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वाले, ये आपकी रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब जैसा कि हमने देखा कि यार क्लाइंट होते हैं, सर्वर होते हैं और एक कम्युनिकेशन होती है उनके दरमियान जो कि नेटवर्क के थ्रू हो रही होती है, तो नेटवर्क में इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो मेन फिनोमेनाज आ रहे होते हैं वो सबसे पहले तो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो जैसा कि हम सबको पता है, वैसे हमने नेटवर्क वगैरह पढ़ा हुआ है तो हम इसको जस्ट टच करेंगे, वो डिजाइन किया जाता है एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया वाले एरिया में। जैसे आपके घर में कोई नेटवर्क है या आपके स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कोई नेटवर्क बिछा हुआ है, तो एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया आपकी यूनिवर्सिटी का कैंपस है या आपका घर है और उसके अंदर एक या आपका ऑफिस है, तो उसके अंदर जो कम्युनिकेशन का एक नेटवर्क बना हुआ है उसको लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें वर्क स्टेशन हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं, मोबाइल हो सकते हैं, फिर कुछ पेरिफेरल डिवाइसेज हो सकती हैं जैसे कि प्रिंटर, स्टोरेज एरेज वगैरह, और राउटर हो सकता है, बल्कि होता है जो कि आपका एक्सेस प्रोवाइड कर रहा होता है अमंग दोस जो आपके कनेक्टेड डिवाइसेज हैं उनके साथ भी, और अगर आप उस राउटर के थ्रू किसी एक्सटर्नल नेटवर्क से, जैसे अगर आप घर में PTCL या नेयरटेल का अगर वो लगा हुआ है, सर्विस लगी हुई है, तो वो उसका जो राउटर है वो आपको ना सिर्फ ये कि बाकी आप इसकी जो कम्युनिकेशन की जो सर्विसेज दे रहा होगा सब उन डिवाइसेज को जो कि उस नेटवर्क पे, जैसे आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है और वो प्रिंटर वगैरह भी अगर नेटवर्क का कनेक्ट हुआ है, बल्कि साथ साथ वो आपको वो राउटर ये सर्विसेज भी दे रहा होगा कि अब आप उस राउटर के दूसरे नेटवर्क से जो कि इंटरनेट वगैरह के ऊपर है उनसे भी कनेक्ट हो सके। ठीक है, अच्छा, इसमें जो नॉर्मली यूज हो रहे होते हैं वो तो एक तो वायर्ड नेटवर्क यूज हो रहा होता है और एक वायरलेस यूज हो रहा होता है। वायर्ड में जो सबसे मशहूर है वो इथरनेट है, उसके अलावा भी होते हैं जैसे इन्फिनी बैंड वगैरह है, लेकिन 90% से ज्यादा जो है मेरे ख्याल में इथरनेट ही यूज हो रहा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा वाइडली यूज जो है वो इथरनेट सिस्टम होता है वर्ल्ड वालों में,
और वायरलेस भी हो सकते हैं जिसमें वाईफाई वगैरह यूज हो रहा होता है, या जिग भी या ब्लूटूथ भी है, लेकिन वो मतलब और लेवल पे यूज हो रहे होते हैं, इस लेवल पे नहीं यूज हो रहे होते डिवाइसेस, या आईओटी लेवल पे वो जो है ना जिग भी वगैरह का यूज होता है या ब्लूटूथ का। अच्छा, फिर उसके अलावा वाईफाई के अलावा ये है 802.16 है, वाईफाई का जो लेवल है या नंबर है वो है 802.11, और 802.16 है उसका भला सा नाम है वो मैं भूल गया हूँ, कि जो पिछले अरसे में वतीन वगैरह ना वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते थे, उसका नाम अब मेरे जहन से निकल गया। वो भी एक बड़ा मशहूर वायरलेस का ना कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है, तो वो भी चल रहा होता है। तो इसमें जो इथरनेट होता है वो 802.3 है, और इसकी जो स्पीड होती है वो 10 मेगाबिट से 10 गीगाबिट तक नॉर्मली वेरी कर रही होती है, और जो वाईफाई है वो 802.11 से डिनोट होता है, और इसकी स्पीड जो होती है वो 11 Mbps यानी कि मेगाबिट पर सेकंड से 400 मेगाबिट पर सेकंड तक के दरमियान वेरी कर रही होती है, और सबसे ज़्यादा ये दोनों ही यूज़ हो रहे होते हैं उसके अंदर ना, ये जो लोकल एरिया की आपकी नेटवर्किंग होती है। तो इसकी सामने उन्होंने एक एग्जाम्पल तस्वीर भी दी हुई है कि ये आपका फॉर एग्जाम्पल वो राउटर है PTCL का या एयरटेल का, और इसके साथ आपका कुछ कंप्यूटर्स, कुछ सर्वर्स, कुछ लैप वगैरह कनेक्ट हुए हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपका ये वायरलेस स्विच जो है वो इसी के अंदर राउटर के अंदर ही बिल्ट इन हो। नॉर्मली यही होता है कि आपके इस राउटर के ऊपर ही वायरलेस का स्विच भी बिल्ट इन होता है, या ये अलग से भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये अलग से है तो फिर ये इस तरह से ये राउटर इस वाईफाई स्विच से कनेक्ट हुआ होगा, और यहाँ पर ये मुख्तलिफ डिवाइसेस को वायरलेस एक्सेस दे रहा होगा, जबकि यहाँ पे ये वायर्ड एक्सेस के साथ भी इसके कुछ चीजें जुड़ी हुई होंगी। और इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये और ये दोनों एक ही फिजिकल डिवाइस के अंदर अवेलेबल हों दोनों फंक्शन, तो फिर ये वायरलेस वाले भी इसी से जुड़े होंगे और ये वायर्ड वाले भी इसी से जुड़े होंगे। ठीक है, और ये सारा एरिया जो है ये वाला एरिया आ रहा होगा आपके लैन के अंदर, और फिर ये राउटर किसी और नेटवर्क से कनेक्टेड होगा जो कि वाइड एरिया नेटवर्क की तरफ जा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल वो तार जो नया टेल की या PTCL की आके कनेक्ट कर रही है आपके राउटर को, वो उस तार के थ्रू वैन लिंक, उस तार को वैन लिंक कहेंगे जो कि आपके इस राउटर को वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा वाइड एरिया नेटवर्क क्या चीज है जो कनेक्ट हो रहा है? ये बेसिकली लिंक करता है डिफरेंट जियोग्राफिकली सेपरेटेड लैंस को। तो डिफरेंट जो जियोग्राफिकली सेपरेटेड लैंस होती है उसको जो आपस में कनेक्ट कनेक्शन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, ये नॉर्मली पॉइंट टू पॉइंट होता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो डायरेक्टली फिर कनेक्ट होगा नेयरटेल के सर्वर के साथ, और नेयरटेल का सर्वर आगे कनेक्ट होगा किसी बड़ी ISP के सर्वर के साथ। ठीक है, और वो आगे कनेक्ट हुआ होगा पाकिस्तान के इंटरनेट एक्सचेंज के साथ, और पाकिस्तान का इंटरनेट एक्सचेंज जो है फिर वो दुनिया के जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं उनके साथ हुआ होगा। लाइक पाकिस्तान का जो मेन इंटरनेट एक्सचेंज है वो कराची में है, तो कराची के बाद वो आगे ट्रांस वर्ल्ड और इस तरह जो बड़ी बड़ी दुनिया की अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर जो कम्युनिकेशन सर्विसेज दे रही होती हैं कंपनीज, उनके साथ फिर वो कनेक्ट हुआ होता है। अब पाकिस्तान में मतलब में 4 या 6 वो जो 100 गीगाबिट पर सेकेंड वाले लेवल की जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं अंडर सी, वो आके वहाँ PIE के साथ कनेक्ट हो रही होती हैं कराची में किसी जगह पे समंदर से निकल के कनेक्ट हो रही होंगी, और वहाँ पे फिर पूरा पाकिस्तान की ट्रैफिक वहाँ टर्मिनेट होती है, और वहाँ से फिर वो ऑनवर्ड ट्रांसफर होती है दुनिया के साथ ना। तो वहाँ से फिर वो मतलब जैसा मैं लिखता हूँ यहाँ पे जीमेल, तो मैं अगर यहाँ बैठा हुआ हूँ इस्लामाबाद में तो मैं कनेक्ट होता हूँ नेयरटेल के सर्वर के साथ, नेयरटेल का सर्वर अपने मेन जो नेयरटेल का हेड ऑफिस सर्वर होगा उससे कनेक्ट होता है, वो आगे जाके सीधा लाइक PIE से कनेक्ट हो रहा होगा पाकिस्तान इंटरनेट एक्सचेंज से, और पाकिस्तान इंटरनेट एक्सचेंज उसको राउट कर देगी। फिर आप वो देखेगी कि वो जो वहाँ पे राउटर लगे वो देखेंगे कि यार ये रिक्वेस्ट जीमेल की है, तो मे बी हम सपोज कर लेते हैं कि अमेरिका जानी चाहिए, तो फिर वो जो आगे 4-5 केबल्स टर्मिनेट हो रही है बड़ी वाली, उसमें से जो अमेरिका की तरफ राउट कर रही है ट्रैफिक को, उस पे वो मेरा पैकेट भेज दिया जाएगा। तो वो फिर उस सब मेरिन केबल के थ्रू होता हुआ वो सीधा अमेरिका के जो इंटरनेट एक्सचेंज होगा वहां पे जाके बाहर निकलेगा। अमेरिका का इंटरनेट एक्सचेंज देखेगा कि यार ये जो सर्विस है जीमेल की, ये तो गूगल की कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो वो गूगल वाली साइट पे राउट कर देगा, और वहां पे जाके वो गूगल के सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा मेरा पैकेट। तो इस तरह से काम चल रहा होता है। इसके लिए आपकी टेलीफोन लाइन भी यूज हो रही होती है, लीज लाइन भी यूज हो रही होती है, ऑप्टिकल
ऑप्टिकल केबल, जिस तरह की एयरटेल वगैरह की फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, वो यूज हो रही होती है। कई जगहों पे आपने शायद देखा हो कि अक्सर बैंक्स के ऊपर ना एक छोटा सा एक वो खंभा लगा होता है, और उसके ऊपर कुछ ना छोटी छोटी डिशेज लगी होती हैं, तो वो माइक्रोवेव लिंक के ऊपर प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि वहाँ जहाँ पे केबल बिछाना पॉसिबल या फिजिबल नहीं होता, तो वहाँ पे वो माइक्रोवेव लिंक इस्टेब्लिश कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट और उसके कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह आपकी रेडियो वेव्स, जिस तरह की हमारी वाईफाई वगैरह है, ये सारी रेडियो फ्रिक्वेंसी में आती हैं, और सेटेलाइट चैनल भी बाज़ों का यूज़ हो रहे होते हैं कि आपकी मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेटेलाइट के थ्रू इंटरनेट वगैरह या कनेक्शनिटिविटी चाहते हैं, तो होगा ये कि आपकी कुछ डाटा प्रोवाइडेड सर्विस होती हैं, कुछ ऐसी सेटेलाइट्स होती हैं जो आपको ना डाटा की सर्विसेज दे रही होती हैं। तो जैसे हमारा टीवी जो है वो सेटेलाइट से डिश हम लगाते थे घर में पहले, या आपने किसी जगह पे देखी होगी कि डिश लगी हुई है और वो सैटेलाइट से टीवी के सिग्नल कैच कर रही है और वो आके टीवी में उसकी ट्रांसमिशन आ रही है, तो सेम वे डाटा की सर्विसेज भी डिश के थ्रू आ सकती हैं। तो होता ये है कि वो आप फिर सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं, यहाँ से जो आप लिखते हैं www.gmail.com, वो आपका जो नेटवर्क होता है वो सैटेलाइट डिश के थ्रू सैटेलाइट पे भिजवा देता है, वहां से वो जो ट्रांसपोंडर होता है वो उसको दुनिया के दूसरे किनारे पे लाइक अमेरिका वाली साइट के ऊपर वो भिजवाएगा, डाउन करवाएगा जमीन पे, और वहां से आगे वो जो पैकेट है वो जीमेल के सर्वर पे चला जाएगा। जीमेल जो उसका रिप्लाई भेजेगा वो फिर उससे सैटेलाइट कंपनी के मेन सर्वर तक आएगा, वहां से सैटेलाइट कंपनी उसको राउट कर देगी खला में सैटेलाइट की तरफ, और वहां से वो सिग्नल आप वाली डिश के ऊपर आ जाएगा और आपकी डिश उसको उठा के वापस आपके सर्वर या कंप्यूटर को भिजवा देगी। तो इस तरह से वो मतलब वाइड एरिया नेटवर्क चल रहा होता है। अच्छा, इसके अंदर ना स्पीड वेरी कर रही होती है, स्पीड वेरी ऐसे कर रही होती है कि वैसे थोड़ी नहीं होती, 40 से 100 गीगाबिट तक होती है, डिपेंड करता है कि आप सैटेलाइट लिंक के ऊपर हैं तो सैटेलाइट लिंक की स्पीड थोड़ी सी निस्बतन कम होती है, अगर आप फाइबर ऑप्टिक में हैं तो आप 100 जी तक जा सकते हैं, ठीक है, 100 गीगाबिट पर सेकेंड तक। अच्छा, उसके बाद आपका जो वैन के लिंक्स वगैरह होते हैं वो ग्रेजुअली अपग्रेड हो रहे हैं, तो उनकी कैपेसिटी और एफिशिएंसी में इजाफा होता जा रहा है। और इसके अलावा ये भी होता है कि जो आपके वैन लिंक्स वगैरह होते हैं या आपके सेल फोन के नेटवर्क्स को भी आप इसमें कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो सेल फोन आपके होते हैं वो रेडियो वेव यूज करते हैं आपके सेल टावर से कनेक्ट होने के लिए, जो कि जगह जगह लगे होते हैं, और टावर फिर जो होते हैं वो फाइबर ऑप्टिक के थ्रू या पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के थ्रू फिर आपस में कनेक्ट होते हैं, और उनकी भी एक मेन हब होती है, वहाँ पे वो डाटा जाता है, वहाँ से आगे फिर फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह का नेटवर्क चल रहा होता है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक आपको बहुत हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। तो होता ये कि अगर मैंने को कॉल करनी है तो मैं यहाँ से जो मेरी साउंड के पैकेट बन के पहले मेरे लोकल टावर तक जाएंगे, लोकल टावर से वो मेन टावर तक पहुँचेंगे, वहाँ से आगे फाइबर ऑप्टिक के ऊपर वो डाटा ट्रांसफर हो जाएगा उस कंपनी के, लाइक अगर मैं जेएस यूज कर रहा हूँ तो जेएस के सर्वर में, और वहां से ऑनवर्ड फिर वो जो है ना इंटरनेशनल वो जो भी ट्रैफिक का रूट चल रहा है उसके ऊपर चला जाएगा। तो ये उसकी एक वर्किंग डायग्राम है कि आपके बहुत सारे नेटवर्क के होस्ट हैं, ठीक है, ये आप इनको साइट समझ सकती हैं सेल टावर की, या अगर हम अपने घर वाले कंप्यूटर लें तो आप कह सकते हो कि ये एक होम है और उसके आगे एक नेटवर्क लगा हुआ है, इस होम के आगे अपना नेटवर्क लगा हुआ है लोकल, इस होम के आगे अपना लोकल नेटवर्क लगा हुआ है, ठीक है, ये फिर आके बड़े राउटर से कनेक्ट हो रहे होते हैं। अगर हम कम्युनिकेशन के एग्जांपल लें तो ये आपके छोटे सेल टावर्स हैं जो कि आपके उस एरिया के बड़े टावर से कनेक्ट हो रहे होंगे, ये फिर जो है आगे उसको सर्विस को बड़े लेवल के ऊपर भिजवा रहा होगा, ठीक है, और यहाँ से आप ये जो एक एग्जांपल है इस होस्ट की वो आप इधर ले आए कि यहाँ पे जो ये वाला होस्ट है ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके ऊपर बहुत सारे यूजर के प्रोसेसेस चल रहे हैं, और ये आगे इस राउटर को सर्विसेज भेज रहा है और ये राउटर उसको आगे राउट कर रहा है डिफरेंट जगहों पे। और अगर हम इसको कम्युनिकेशन वाली एग्जांपल में लें तो आप ये कह सकते हो कि ये राउटर यहाँ पे एक टावर से कनेक्टेड है, ठीक है, और इस टावर से बहुत सारे क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं अपने अपने मोबाइल फोन के थ्रू, ठीक है, तो हम इसको एज ए टावर समझ सकते हैं जो आपका लोकल टावर है, और ये बहुत सारे वो लोग हैं जो कि उस टावर से कनेक्टेड हैं और उस टावर से अपनी सेल फोन की सर्विस ले रहे हैं। ये जो फिर टावर है ये अपने मेन टावर एरिया के मेन टावर से कनेक्टेड है, और वो एरिया का जो मेन टावर है वो फिर आगे डिफरेंट राउटर से कनेक्टेड है, और उसमें से कोई राउटर जो है वो जाके फिर आगे जैस के मेन सर्वर के थ्रू पीआई के थ्रू फिर आगे इंटरनेशनल ट्रैफिक भेज रहा होगा। अच्छा, अब इतने बहुत सारे कंप्यूटर हैं, इतनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको उसमें आपको किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए कंप्यूटर को आपको कोई यूनिक नेम चाहिए होगा ना। जैसे अगर मेरी क्लास है, मेरी क्लास में एक हनान बैठा हुआ है, तो मैं जब भी कहता हूँ हनान तो हनान मुझे कहता है यस सर। लेकिन अगर हमारे बहुत सारे नेटवर्क आपस में जुड़ जाएँ, बहुत सारी क्लासेज आपस में जुड़ जाएँ,
तो अब एक हनान मेरी क्लास में है तो एक हनान किसी और क्लास में भी हो सकता है, तो मैं कहूँ हनान तो कौन रिप्लाई करेगा अगर हम आपस में सब जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए कोई नेमिंग और नेमिंग रेजोल्यूशन की जाती है। अब होता ये है कि आपके जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हर कंप्यूटर सिस्टम उस नेटवर्क में या हर क्लाइंट जो है उस नेटवर्क में, चाहे वो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है और व्हाटएवर, तो उसका कोई यूनिक नेम होना चाहिए ताकि जब भी हम उसके लिए कोई डाटा भेजें तो डाटा उसी के पास पहुंचे। ये ना हो कि दो एक ही जैसे नाम वाले सिस्टम हो तो पता चले कि पैकेट हनान का था लेकिन वो किसी और हनान के पास पहुंच गया जो जिसका नाम भी हनान था। ठीक है, तो उसमें नॉर्मली क्या किया जाता है कि आप कि चूंकि नाम सेम हो सकते हैं तो हम रोल नंबर, जिस तरह हमने हनान को अलग अलग रोल नंबर दिए हुए हैं, तो ये वाला हनान जो है हमारे वाला इसका अलग रोल नंबर होगा और किसी और क्लास में जो हनान बैठा है उसका अलग रोल नंबर होगा। तो अगर हम वही बात रोल नंबर के थ्रू भेजें तो फिर ये सही हनान तक पहुंचेगी। अगर मैं इस वाले हनान का रोल नंबर दे रहा हूँ जो मेरी क्लास में है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो दूसरे हनान के पास पहुंच जाए क्योंकि उसका रोल नंबर डिफरेंट होगा। तो हम आईडीज के थ्रू थोड़ी सी यूनिकनेस ले आते हैं। ठीक है, लेकिन अब होता ये है कि आईडी के थ्रू हम जो यूनिकनेस लाते हैं, आईडी वाली चीजें तो थोड़ी सी इतना आम लाइफ में मुतामिल नहीं होती ना, इम्प्लीमेंटेड नहीं होती। तो फिर क्या होता है कि हमें एक नेम रेजोल्यूशन चाहिए कि जब मैं कहूँ हनान तो पहले वो हनान ट्रांसलेट हो इनटू द आईडी, यार किस हनान की बात हो रही है जरा रोल नंबर बताओ। तो कोई ऐसा सिस्टम हो कि जब भी मैं हनान कहूँ तो कोई बंदा बैठा हो वो चेक करे कि यार ये अगर हनान कह रहे हैं तो ये अपनी क्लास के हनान को कह रहे होंगे और मेरी जो क्लास का हनान है उसका रोल नंबर है 1234। तो फिर वो क्या करे कि वो मेरी रिक्वेस्ट जो मेरी आवाज़ जा रही है उसके आगे हनान को रिप्लेस कर दे 1234 से और डेटा आगे भिजवा दे नेटवर्क पे। अब जाहिर है वो जो 1234 कहेगा तो सही वाले हनान के पास पहुंचेगा जो मेरी क्लास का स्टूडेंट है, तो मेरा जो हनान है उसको रिप्लाई करेगा और वो वापस उसका रिप्लाई जो है मेरे पास भिजवा दे। तो इस तरह से ना कोई आईडी के और नेम के दरमियान में कोई ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसलेशन मैकेनिज्म होना चाहिए कि जब मैं नाम लूँ हनान तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाए आईडी में और जब मैं आईडी लूँ तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाए हनान में। ठीक है, तो इस तरह का कोई रिक्वेस्ट का प्रोसेस होना चाहिए। इस प्रोसेस को कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम या डीएनएस। अब होता यह है कि हम जब वेबसाइट को खोलते हैं और हम लिखते हैं www.gmail.com तो एक्चुअली वो जो gmail.com होता है वो जीमेल की डीएनएस के पास रिक्वेस्ट जाती है कि कोई बंदा gmail.com को एक्सेस करना चाह रहा है। तो डीएनएस सिस्टम जो होता है वो उसको ट्रांसलेट करता है और हमें प्रोवाइड करता है आईपी ऑफ द जीमेल सर्वर, क्योंकि जो 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 नेटवर्क की कम्युनिकेशन होती है वो आईपी बेस्ड होती है, नेम बेस्ड नहीं होती। वहां पे क्या होता है कि जितनी भी हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं हम तो सर्वर के नेम्स लिख रहे होते हैं कि gmail.com, microsoft.com, au.edu.pk, तो इनके बैक एंड पे डीएनएस सर्वर्स होते हैं जो कि हमारी रिक्वेस्ट को लेते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं इनटू द आईपी और हमें बताते हैं कि भाई वो जो आप जीमेल को एक्सेस करना चाह रहे हो या आप जो au.edu.pk को एक्सेस करना चाह रहे हो तो ये एक्चुअली इनका आईपी एड्रेसेस ये हैं, तो आप इस आईपी एड्रेस पे अपने रिक्वेस्ट भेजो। फिर हमारा सिस्टम हमसे पूछे बगैर इनके हम तो उसको लिखते हैं कि यार gmail.com से कनेक्ट हो, तो हमारा सिस्टम पहले डीएनएस सर्वर से कनेक्ट करता है और उससे जीमेल को ट्रांसलेट करवाता है और जब उसको जीमेल का आईपी मिलता है तो वो हमारी रिक्वेस्ट जो है उस आईपी एड्रेस पे फॉरवर्ड कर देता है कि भाई मुझे आपकी सर्विसेज चाहिए, जीमेल की सर्विसेज चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो है ना नेम रेजोल्यूशन हो रही होती है, नेमिंग ट्रांसलेशन हो रही होती है इंटरनेट के ऊपर भी और नेटवर्क के ऊपर भी। अच्छा, उसके बाद जो ये सारी कम्युनिकेशन हो रही होती है कि हमने नेम रेजोल्यूशन भी करवा लिया, अब अपना पैकेट भेज दिया, अब जब पैकेट भेजते हैं ना तो वो जो पैकेट नेटवर्क के ऊपर जाता है आता है उसके लिए कोई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज हो रहे होते हैं। जरा आपने अपने बैचलर लेवल पे पढ़े होंगे, इनका वैसे हम तस्करा कर लेते हैं जरा शॉर्ट सा। तो इसमें क्या होता है कि कुछ लेयर्स होती हैं, लाइक लेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कौन कौन सी होती हैं वो हम देख लेते हैं आगे। तो इसमें फिजिकल लेयर होती है लेयर 1 के ऊपर, ये जो आपकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डील कर रही होती है। आप तो माशाल्लाह चारों ही वो हो कम्युनिकेशन साइड के बंदे हो तो आपको थोड़ा सा इसके हवाले से आइडिया होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और ये आपका ज्यादा जो काम रहा होगा वो फिजिकल लेयर के ऊपर रहा होगा। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर क्या होता है कि इसके ऊपर जो लेयर होती है वो आपके पैकेट्स को ट्रांसफॉर्म करती है फ्रेम्स के अंदर और उन फ्रेम्स को फिर लेयर 1 के ऊपर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में भिजवाया जाता है आगे नेटवर्क के ऊपर। लेयर 3 होती है वो नेटवर्क को डील कर रही होती है, इसी तरह फिर लेयर 4 होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, वो आपके क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई कर रही होती है। फिर पांचवी लेयर होती है सेशन लेयर, वो आपकी प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन को देख रही होती है। लेयर 6 आपकी प्रेजेंटेशन लेयर होती है और लेयर 7 वो फॉर्मेटिंग को डील करती है और लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर होती है। अच्छा, ये जो है OSI मॉडल की बात हो रही है, इसी के साथ एक मॉडल होता है TCP/IP मॉडल, उसमें 5 ही लेयर्स होती हैं, उसमें से कुछ लेयर ये वाली जो है वो एक हो जाती है, मतलब 2-3 लेयर्स मिलकर एक। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये जो 5 एंड 6 एंड 7 लेयर हैं ये बेसिकली
TCP/IP मॉडल में एक ही लेयर कहलाती है, लेयर एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो इसमें जिस तरह 7 लेयर्स हैं, तो उसके अंदर 4 या 5 होती हैं, कुछ लोग कुछ जगहों पे उसको 4 कहा जाता है, कुछ में 5 कहा जाता है। तो 5 लेयर्स में ये 3 जो लेयर्स हैं ये मर्ज हो जाती हैं, 5, 6, 7, और एक और मॉडल में वो दूसरी जो एक शुरू वाली 2 लेयर्स होती हैं वो भी आपस में मर्ज कर दी जाती हैं, उसको 4 कह दिया जाता है। तो ये आ रही है। अच्छा, अब इसकी कम्युनिकेशन कैसे होती है इन लेयर्स में, चाहे वो 5 लेयर हैं चाहे वो 7 लेयर्स हैं। तो इसमें होता क्या है, जो OSI वाला मॉडल है, इसके अंदर जो 7 लेयर्स वाला मॉडल होता है, उसमें क्या होता है, अगर आपकी 2 कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं, एक ए है और एक बी है, ये आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, तो होगा ये कि आपने को काम का वो एक पैकेट बनेगा एप्लीकेशन लेयर का, वो निचली लेयर को दे दिया जाएगा। तो निचली लेयर एज इट इज ये 7 का पैकेट लेगी, इस पे अपना हेडर चढ़ा देगी, अपनी कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर देगी 6 लेयर की, और नीचे भिजवा देगी 5th लेयर पे। ये अपना उस ऊपर से 6 से जो पैकेट आ रहा है उसको एज इट इज लेगी, उस पे अपना एक एडेड चीज ऐड कर देगी, ठीक है। अभी हमारी क्लास का ये जो सेशन है ये खत्म होने वाला है, तो आप लोगों ने ना ब्रेक लेनी है या अभी हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि बाद में ना लाइट भी जानी है एक्चुअली कुछ लोगों की ना, कुछ स्टूडेंट्स की। तो हम अभी यूँ करते हैं, ब्रेक नहीं लेते, इसको साथ ही कंटिन्यू करते हैं, और फिर बाद में जो है ना एक ही बार हम ब्रेक 6 बजे के बाद जो है ना वो देख लेंगे उस वक्त, ठीक है। तो अभी ये सेशन खत्म हो रहा है, तो आप दोबारा जब मैं लिंक शेयर करूंगा नया वाला, तो उस पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।